गैंग रेप पीड़िता के बेटे पर जानलेवा हमला, बंदूक से फायर कर मारी गोली। मंदिर पर कथा करा कर बाइक से घर लौट रहे थे माँ बेटे। शिवपुरी जिले के इंदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुसुवन गुहंसा तिराहा के पास बीती रात 3 लोगों ने हत्या के इरादे से एक युवक में गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की माँ ने कुछ माह पहले आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार गुहांसा गांव के रहने वाले 18 वर्षीय युवक ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि शुक्रवार को अपनी मां के साथ बदरवास से कथा कराने गिद्वासा माता मंदिर कुसुवन गया था। कथा करने के बाद मां के साथ बाइक से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान जैसे ही युवक कुसुवन गुहांसा तिराहा के पास पहुंचा, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर गुहांसा के मन्ना लोधी, शैलेंद्र लोधी व राहुल लोधी आ गए और मोटरसाइकिल से उतरकर शैलेंद्र लोधी और राहुल लोधी हमारे पास आए और मुझे व मेरी माँ को पुरानी रंजिश पर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। हमने गालियाँ देने से मना किया तो मन्ना लोधी ने पीछे से मुझे जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जिससे मेरे दोनों पैरों की जांघों के बीच पीछे की तरफ गोली लगी, मैं गिर गया। तभी तीनों वहां से भाग गए। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुम कहाँ से आ रहे थे? हम कुशगंज से आए थे कथा बचा के। हाँ भाई सही नहीं बदल तो कर दो कथा रहे थे रास्ता में। हम एक और मेलो वहाँ के चक्कर में हम बेटे आदमी में बैठ के रह गए, फिर वहाँ से फिर बेटे कड़ गए, फिर हम रंगत रंगत अब हाल आए तब भी बघेल ना गए, हमें कोई नहीं मिल रहा है था। हम सुबह तो बघेल से गए थे। भाग गए तो जाई से गए तो गए पीछे से आए साहब कहीं से।